भारतीय ट्राइबल पार्टी ना राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई छोटू भाई वसावाए भरूच जिला पंचायत अने नर्मदा जिला पंचायत में कांग्रेस साथेना गठबंधन तोड़वानी जाहेरात करी। रिपोर्टर यूसुफ मलिक। साथियों, आज हमारे साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीयवर महेश भाई छोटू भाई वसावा साहब हमारे साथ हैं, और जो राजस्थान में चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका जो प्रत्याघात गुजरात के जो जहां पर गठबंधन हुआ है वहां पर भी पड़ा है, तो हम उनसे उन्हीं की जबान से उनका क्या कहना है वो सुनेंगे। जी सर, खास तो देश के अंदर जो चुनाव आते हैं वहाँ मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे को देश की विरोधी पार्टी है, लेकिन राजस्थान की बात और गुजरात की बात, अभी पंचायत इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, और सबको जोहार मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्राइबल के अंदर जो जिस तरह कांग्रेस बीजेपी इकट्ठे राजस्थान के अंदर हुए, जिले के अंदर और तहसील के अंदर दोनों एक दूसरे को मिल के वहाँ जो प्रमुख पद प्रधान जिसको बोला जाता है वो किया है, तो हम ये दोनों पार्टी एक ही है समझो, लेकिन गरीबों के लिए लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। शेड्यूल 5 के लिए ट्राइबल के अंदर जो प्रावधान किया गया है इनके लिए, इनसे हम लड़ते हैं, और यहाँ गुजरात के अंदर छोटू भाई ने जैसे गुजरात पैटर्न लागू करवाया था, ये तो वो डिवन हमने वहाँ राजस्थान के अंदर भी रखी थी राज्यसभा के टाइम के अंदर, फिर वो इसकी भी अमलवारी हुई नहीं है, इसलिए हमारे जो 2 MLA ने समर्थन वहाँ किया था वो भी कल वापस कर लिया है, और यहाँ भी हम 2 जिला पंचायत हैं, 2 जिला पंचायत भरूच और नर्मदा, तो वहाँ हम इनको जो समर्थन दिया हुआ है वो भी वापस कर रहे हैं, और एक सागबारा के अंदर जहाँ डेडियापाड़ा विधानसभा है वहाँ समर्थन है कांग्रेस का, वो भी हम वापस कर लेते हैं, और ये समाज के लिए आने वाले जो भी है समाज को इकट्ठा करके हम समाज को बचाना है, और आगे का इलेक्शन हम पूरी जोर से लड़ेंगे। धन्यवाद सर। तो आपका जो भारतीय ट्राइबल पार्टी की जो अभी जो डिमांड रहेगी चुनाव के लिए, जो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे संवैधानिक मुद्दे हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब और जयपाल सिंह मुंडा ने जो संविधान के अंदर जो ट्राइबल को प्रावधान दिया है, जैसे शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 जो यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन आप देश की आज़ादी 70 साल हो गए ऊपर हो गए, फिर भी आप देखो यहाँ शेड्यूल 5 लागू नहीं किया है, अगर लागू किया है तो इनकी अमलवारी नहीं है, 6 के अंदर ये हो रहा है, तो कांग्रेस ने भी ट्राइबल लोगों को लूटने का ही काम किया है, वो RSS के ही लोग हैं, और जैसे अभी BJP यहाँ हिंदुत्व का नाम से जो देश के अंदर हिंदुत्व का नाम फैलाकर हिंदू मुस्लिम ये करा के जो दंगे फैलाना चाहते हैं और वो राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी देश के अंदर नहीं रहेंगे, और हम इसके अगेंस्ट में लड़ेंगे, हम संविधान के जो मुद्दे हैं जड़ जमीन जंगल और हमारा जो आदिवासी कल्चर है वो बचाना है।